एक दो तीन कितने साल हो चुके हैं शिवम भाई? लगभग करीब 18 साल हो चुके हैं हमारी दोस्ती को। गाइस 18 साल मानते हो यार? और सबसे बड़ी बात तो ये भाई, ये बंदा ना कभी गली से बाहर नहीं निकलता था, कहीं गली बॉर्डर था वो लक्ष्मण रेखा खींची हुई जिसे वो पार नहीं कर सकता था, बस घर के अंदर ही अंदर रहता था गली में, छत पे चाहे धूप आ रही हो चाहे काले हो जाए, मुझे मतलब उड़ानी है तो उड़ा दी। गाइस ये बात भी सच है, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे भाई, 15 अगस्त अपने को इतना पसंद था, इसको भी और मुझे भी भाई, पतंग के इतने दीवाने थे ना गाइज, हम जाते थे भाई, घर से इतने पैसे मिलते नहीं थे, आपस में इकट्ठे करे 10-10, 20-20 रुपए करके और मस्त इतना फन करके आते थे ना, मतलब आज जाने को भी जा सकते हैं बट वो फन नहीं आता जो उस 100 रुपए में आता था ना यार। बचपन में भाई हमारा स्कूल का रिक्शा एक ही था, और स्कूल के रिक्शा की बात करूँ ना भाई, उधम काट के रखते थे हम स्कूल के रिक्शे में ना भाई, भाई साथ में ट्यूशन था, और सच बताऊं भाई हम मुर्गा भी साथ में बनते थे, इसको पता नहीं याद है वो जादू वाली साइकिल है। अबे हाँ वही, वो उसी की तो बात कर रहा हूँ यार, जादू वाली साइकिल भी थी भाई के पास, खींच खींच के जादू वाली साइकिल, हाँ सही कह रहा है। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग, कैसे हो सारे, आई होप आप सब बहुत बढ़िया, और भाई तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया है। और गाइज आज पूरा दिन व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं किसी काम से घर आ रखा था, तो फिर टाइम भी नहीं मिल पाया, बट अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ और गाड़ी में पूरा ये व्लॉग निकलने वाला है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं शोना के साथ कोई प्रैंक या चैलेंज करने वाला हूं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि भाई कमेंट्स में ना प्लीज कोई चैलेंज वगैरह बढ़िया से सजेस्ट करो, प्रैंक सजेस्ट करो, आजकल भाई मेरा बहुत मन करता है प्रैंक्स और चैलेंज बनाने का, सच बताऊं तो मेरे को लगता है कि थोड़ा डे रूटीन को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं और प्रैंक बनाते हैं दबाके और चैलेंज बनाते हैं। तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर कमेंट करना यार, और सजेस्ट कर दो अच्छे अच्छे प्रैंक्स एंड चैलेंजेस। तो चलो गाइस ये बातें अब साइड में रख देते हैं और मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ, मेन अपना टॉपिक आज का है क्या। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ नई नई चीजें लेकर आऊँ आप लोगों के लिए यार, कुछ क्रिएटिव वाली चीजें, कुछ ऐसी चीजें हो जो मेरी लाइफ से जुड़ी हो, मेरे बचपन से जुड़ी हो। जैसे लास्ट आपने वो देखा था व्लॉग मम्मी पापा के साथ वाला, वो लिटरली भाई मेरे दिल के करीब है और वो था भी अच्छा, और उसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है ये होने वाला है मेरे बचपन का दोस्त, समझ रहे हो, टाइटल थंबनेल देख के आपको पता लग ही चुका होगा, फिर से बता देता हूँ भाई बचपन का दोस्त। तो भाई आपको चलो मिलवाता हूँ अपने बचपन के दोस्त से। हेलो भाई शुभम भाई, क्या हाल है? तो भाई, तो गाइस आप देख रहे हो भाई ये है मेरा दोस्त शुभम गुप्ता, और मैं अगर इसकी और अपनी दोस्ती की बात करूँ तो हमारी दोस्ती को कितने साल हो चुके पता है? 1-2-3 कितने साल हो चुके हैं शुभम भाई? लगभग करीब 18 साल हो चुके हैं हमारी दोस्ती को। गाइस 18 साल मानते हो यार, मैं हूँ 24 साल का और भाई भाई मैं 26 साल का हूँ, ये मुझसे 2 साल छोटा है। हाँ मैं इससे 2 साल छोटा हूँ, और भाई हमारी दोस्ती हुई थी करीबन, मैं था 5 साल का था ना, 5 या 6 साल, हाँ लगभग 5, हाँ लगभग 5 या 6 साल का था भाई। हमारी दोस्ती को 18 साल हो गए भाई, बहुत बड़ी बात है, और बहुत लोगों की कम लाइफ में ऐसे पुराने पुराने दोस्त हैं आज के टाइम को देखते हुए, क्योंकि आजकल यार सब लोग अपनी लाइफ में बिजी है, किसी की शादी हो गई है कुछ है, पर भाई अपनी दोस्ती तो आज भी है, क्यों भाई? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और मैं सच बताऊं भाई, मेरे घर का नाम है आशु और इसके घर का नाम है चुन्नू। तो भाई मैं हूँ आशु और ये चुन्नू मिली है, तो मेरे को विनय के नाम से जानते हैं, और मेरा नाम आशु भी है, ये मेरे को कभी विनय नहीं बोलता, ये हमेशा आशु ही बोलता है ना, और मैं भी चुन्नू ही बोलता हूँ। बट भाई स्टार्टिंग मैंने करी थी भाई शुभम भाई बोल के, शुभम इसलिए बोला क्योंकि वो यार आधार कार्ड वाला नाम है ना इसलिए। तो चलो गाइस आज आपको बताता हूँ हमारी थोड़ी सी दोस्ती की, जो 18 साल मैंने बिताए हैं ना, तो अब आप थोड़ा सा जान लो मेरे बारे में। वैसे तो आप ऑलमोस्ट जान ही गए हो मम्मी पापा से, मम्मी पापा ने आपको बताया, बट अभी तो बहुत चीजें हैं जानने के लिए। तो भाई एक बात बता यार तुम, अरे गाइस एक चीज बताओ, इसकी शादी हो चुकी है यार। इसकी शादी हो चुकी है भाई, इस बंदे ने अपनी शादी के लिए कम से कम 1-2 साल वेट किया है ना। बिल्कुल भाई पूरा 2 साल वेट कराया, 1.5-2 साल वेट कराया। और गाइस वेट करने का रीजन बताऊं, लॉकडाउन भाई, लॉकडाउन के चक्कर में भाई इसकी शादी का जो प्लान ड्रॉप डेट चेंज एक बारी को तो इतना इरिटेट हो गया था ना, डेट पे चेंज होती रही, लॉकडाउन के चक्कर में इतनी दिक्कतें आई, फिर आखिर फाइनल हो ही गई। तो गाइस अब फाइनली हमारा भाई शादीशुदा कहलाता है, शादी हो गई है भाई की, और हमें चाचा वाचा कब बना रहे हो ब्रो? भाई उसको भी थोड़ा टाइम दो, अचानक वाले टाइम में तू चाचा बना देगा मेरे को। चलो भाई अभी तो लाइफ एंजॉय करो, क्यों? सही बात है भाई, अभी थोड़ा सा जी ले। हाँ अभी जिंदगी जी रहे हैं भाई, अभी तो शादी हुई है 1-2-3 साल, थोड़ी कपल लाइफ जियो, बहुत टाइम है यार। वही तो, अभी तो पूरा बहुत टाइम बचा है समझ के। तो गाइस अभी तो बहुत टाइम है मेरे को चाचा बनने में, जब चाचा बनूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा, बिल्कुल व्लॉग बनाऊंगा। तो चुन्नू भाई एक बात बता, बचपन में तेरे को मेरी सबसे ज्यादा इरिटेटिंग कौन सी आदत लगती थी, मतलब तेरे को मेरी ऐसी कौन सी चीज थी जो तेरे को इरिटेट करती थी? भाई तेरी इरिटेट वाली चीज यही है कि जब हम तुझे घर पे बुलाने आते थे तो तेरी मम्मी जाने नहीं देती थी। और सबसे बड़ी बात तो भाई ये बंदा ना कभी गली से बाहर नहीं निकलता था, कहीं गली बॉर्डर था वो लक्ष्मण रेखा खींची हुई जिसे वो पार नहीं कर सकता था, बस घर के अंदर ही अंदर रहता था गली में। गाइस ये बात सच है, जब मैं छोटा था ना भाई, मम्मी मेरे को भाई कहीं नहीं जाने देती थी, मतलब आप कह सकते हो जब एक लड़के का बचपन होता भाई, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं बाहर जाते हैं, ये लोग मेरे को घर बुलाने आते थे भाई, मेरी मम्मी खेलने ना दे, मैं दोपहर में मम्मी सो रही होती थी ना, चुपके से कुंडी खोल के जाता था, फिर मैं इनके साथ खेलता था, बहुत अच्छे से याद है। तो इसको भाई वो थोड़ी सी इरिटेट वाली बात लगती थी।
है ना भाई? और मैं किस चीज के लिए बहुत ज्यादा दीवाना रहता था, 15 अगस्त आता था और ये बंदा क्या नाम है, जून से ही शुरू हो जाता था पूरा, 3 महीने बंदा राउंड लेता था सड़क के छत में, चाहे धूप आ रही हो चाहे काले हो जाए, मुझे मतलब उड़ानी है तो उड़ानी है। गाइस ये बात भी सच है, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे भाई, 15 अगस्त अपने को इतना पसंद था, इसको भी और मुझे भी भाई, पतंग के इतने दीवाने थे ना, धूप हो कुछ भी हो हमें किसी से मतलब नहीं भाई, पतंग उड़ाने से मतलब। ये भी एक भाई अपनी बात है, और भी यार बहुत सारी चीजें जुड़ी है। और सच बताऊं अभी गाइस कल ही दशहरा निकला है, मैं शाम को इसके साथ घूम रहा था तो हमने भाई दशहरा देखा और एकदम से हमको क्या याद आया पता आपको, हमारा बचपना है चुन्नू, बिल्कुल भाई पुरानी बातें सारी की सारी याद आ गई आज के दशहरे को देख के, कि हम पहले कैसे जाया करते थे और कैसे कैसे वहाँ पे एंजॉय करते थे। मैं सही बोला, मैं कहा यार वो दिन बढ़िया थे बचपन वाले, है ना चुन्नू, अब तो बड़े हो गए, ऐसा लग रहा है यार दोबारा छोटे हो जाए, बड़े हो गए ना ऐसा जीप सी वाइब आती है की यार बड़े होने में मजा नहीं जो बचपन में मजा था, है ना। मेले में क्या क्या करते थे भाई हम? भाई मेले में तो सबसे पहले तो मैं जो सबसे बड़ा वाला झूला है ना, मैं इसके साथ ही झूला, जो भी होगा देखा जाएगा, चढ़ जाते हैं भाई, बहुत डर लगा था लेकिन मैंने कहा था जब आशू जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा और जो भी होगा देखा जाएगा। गाइस ये डरता था झूलों से, बट ये मेरे साथ बैठ गया था वो बड़े वाले झूले पे। और गाइस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ भाई, मेले में मे भी हम 2-4 दिन में दोबारा जाए, मौका मिलेगा तो भाई बिल्कुल जाएंगे और अपने बचपन की जो यादें हैं ना वो ताजा करेंगे, क्यों जन्नू? बिल्कुल भाई बिल्कुल, दोबारा बच्चा बनेंगे भाई हम, दोबारा मेले में जाएंगे यार, वो दिन बढ़िया था, 100 रुपए में यही होता था सब कुछ करना, सब कुछ। गाइस हम जाते थे भाई, घर से इतने पैसे मिलते नहीं थे, आपस में इकट्ठे करे 10-10, 20-20 रुपए करके और मस्त इतना फन करके आते थे ना, मतलब आज जाने को भी जा सकते हैं बट वो फन नहीं आता जो उस 100 रुपए में आता था ना यार, 100 रुपए वाला फन अलग ही था। अरे वो कहानी बताना दशहरा की, भूत बंगले वाली, भाई भूत बंगले वाली बात ये, और मैं गए भूत बंगले के अंदर भाई, इतने चाटा मार दिया वो मुझसे कह रहा भाई कोई चाटा मार के जा रहा है उसको पकड़ के लेके आओ। हाँ गाइस ये बात भी हमने, हमें आज याद आई, तो यार इतनी सारी बातें आज हमने शाम को करी ना मिलके, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना आज का व्लॉग में यही बनाऊं, मेरा बचपन का दोस्त और आप लोग मेरे को थोड़ा सा और जान लो। तो गाइस ये बात भी सच है भाई, हम मेले में भाई भूत बंगले में गए थे और भाई बचपन में मैं बहुत शैतान था, अल्टीमेट शैतान, अल्टीमेट है ना, बिल्कुल भाई बहुत शैतान था, सही बात है। और भाई इतना शैतान था, भूत बंगले में गए भाई, वहां तो क्या होता है अंधेरा होता है ठीक है, और भाई मैंने भाई लगा दिया किसी के चाटा और वो इसके पीछे पड़ गया कि भाई तू मेरे को चाटा मार के गया है, वो तो आगे जा रहा है यार, मौके का फायदा उठा दिया आज ने। तो गाइस आई होप आपको मजा आ रहा होगा भाई ये मेरी थोड़ी सी मेरी लाइफ से जुड़ी बातों को जानने में। तो गाइस एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूँ क्या, पूछता हूँ चुन्नू से, चुन्नू आपको बताएगा, उसमें मजा आएगा। भाई एक बात बता, बचपन में हम सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेला करते थे? भाई बचपन में सबसे ज्यादा हम खेलते थे छुपम छुपाई, लाइट गई वैसे छुपम छुपाई शुरू। देखो भाई चुन्नू की जीप लप लपाई। तो गाइस हम जब छोटे थे ना भाई, हम वेट करते थे लाइट भागने का, क्योंकि जब लाइट आ रही होती थी तो उसमें छुपम छुपाई बंदा मिल जाता था। लाइट जाती थी भाई, शाम बचते थे 7 पहले भाई लाइट वाइट जाया करती थी, ये बात होगी कम से कम हो गए आराम से 14-15 साल पहले की बात होगी, है ना भाई, लाइट जाती थी बंदे आवाज लगाने आते थे, आशु आजा, है ना, आजा भाई आजा चालू। भाई हम चालू होते थे, लाइट जब रहती नहीं थी भाई 1-2 घंटे तक नहीं होती थी लाइट, है ना, और भाई उस बीच हम क्या करते थे भाई, सिर्फ छुपन छुपाई खेलते थे भाई, घर से मम्मी आती थी बुलाने, सबके घर वाले आते थे, है ना, इतने दीवाने थे छुपन छुपाई के, तो भाई पूरी गली में वो दम मचा रखा था हमने। और गाइस चलो आते हैं अगले सवाल पे अपने भाई। गाइस एक्चुअली मैं और चुन्नू भाई कौन सी क्लास तक साथ पढ़े हैं? 8 हां भाई 8th क्लास तक, 8th लग साथ पढ़े हैं हम, पहले जब स्कूल में थे वो स्कूल 8th तक था 10th तक था, 8th तक, 8th तक था, हां 8th क्लास तक था गाइस। कौन सा? सेंट कृष्णा है ना, संत कृष्णा बोध, संत कृष्णा बोध पब्लिक स्कूल है ना ये नाम था उसका। तो गाइस अपना स्कूल था सेंट कृष्णा, मतलब घर के पास में, ये था मेरे से बड़ी क्लास में, है ना, मैं से छोटी क्लास में था, बड़े हमारा रिक्शा एक ही था, रिक्शे एक ही में जाते थे भाई, जब छुट्टी होती थी आना जाना हमारा एक ही साथ रहता था, क्योंकि हम एक ही गली में रहते थे भाई। तो भाई बचपन में भाई हमारा स्कूल का रिक्शा एक ही था, और स्कूल के रिक्शा की बात करूँ ना भाई, उधम काट के रखते थे हम स्कूल के रिक्शे में, है ना भाई, पूरा वो मूछे वाले अंकल। भाई मूछ वाले अंकल का है वो, है भाई है पता नहीं, थोड़ा चले गए गाँव गाँव की साइड भाई, बंदे गाँव गाँव का आदमी था यार वो, अपने गाँव गाँव में भाई इतना उधम काटते थे, इतना उधम काटते थे, बैग वो पीछे करके, एक तो उसमें वो था टीन वाला ना, टीन वाला बिल्कुल छतरी वाला, हट वाला, हट वाला रिक्शा होता था, हट वाले रिक्शे में कितने बच्चे लाता था वो, 8-10 भाई, कम से कम 10-12 बच्चे लेके आ रहा, अंकल तो बढ़िया थे भाई बस, लेकिन कभी कभी हम बहुत इरिटेट कर देते हैं ना, बहुत ज्यादा, एक बार तो मुझे उन्होंने उतार के भगा दिया, तो यहाँ से पैदल कर दिया। भाई शैतान थे बहुत ज्यादा यार, ऐसा होता था भाई रिक्शे की रफ्तार तो ज्यादा होती नहीं है ठीक है, हम क्या करते थे अपने बैग टांगे रिक्शे पे और हम भाई पैदल पैदल चलते थे, याद है, बिल्कुल पीछे खड़े हो जाते थे पीछे वाले साइड, पीछे भाई पीछे ना फट्टा होता था, फट्टे पे खड़े होके जाते थे हम, है ना, वो जो बचपन का जो स्कूल वाला रिक्शा था ना वो अल्टीमेट था, देखो आज भी याद है हमको, आज भी याद है, कुछ तो बात होगी भाई उस रिक्शे में। तो गाइस अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की भाई ये बात है, चुन्नू अगर तेरे को याद है हम ट्यूशन में भी साथ थे। हां भाई बिल्कुल ट्यूशन में भी साथ ही जाते थे, 3 बजे का हमारा ट्यूशन, 3 बजे का होता था, 2 बजे स्कूल से आते
जाते थे फिर 3 बजे ट्यूशन के लिए जाना रहता। ट्यूशन जाते थे और भाई साथ में ट्यूशन था। सच बताऊं भाई हम मुर्गा भी साथ में बनते थे। सही बात है भाई, साथ में पिटना भी रहता था। हालांकि हमारी जो पढ़ाई थी वो साथ में नहीं थी, इसकी मेरे से आगे था, 2 साल बड़ा था, बड़ा वैसे 1-2 क्लास आगे ही होगा, बट स्टिल शैतानी के चक्कर में हम साथ में मुर्गा। शैतानी इतनी थी ना कि भाई मुर्गा तो हम साथ में ही बनते थे और पिटे ही बहुत है भाई, हाथ पे डंडे खाए हैं, है ना, हाथ पे डंडे खाए हैं और भाई मुर्गे भी बने हैं। मतलब आज भी यार वो दिन याद आते हैं यार, मस्त थे वो दिन, सच बता रहा हूँ। छोटे छोटे हुआ करते थे, मजेदार होते थे वो दिन, बढ़िया थे वो दिन, तो भाई बहुत याद आते हैं ना। सही बात है। तो भाई अगर बात करें साइकिल की, साइकिल की कुछ बात याद है? साइकिल भाई छोटी सी साइकिल हुआ करती थी, भाई बंदा उसी साइकिल पे घूमा करता था आगे पीछे, वो वाली जिसमें हवा नहीं डलती थी। हाँ जिसमें बिना वाली, ट्यूबलेस टायर वाली, रंग बिरंगी सी थी, है ना, कलरफुल थी, और उसके टायर भी रंग बिरंगे थे सारे के सारे, पीले कलर के पहिए थे। हाँ, सही बात। तो गाइस साइकिल का भाई बहुत शौकीन था मैं, और भाई बचपन में पापा साइकिल लाए थे मेरे लिए, इतनी चलाता था मुझे अभी भी याद है। एक बार बर्थडे वाले दिन ना मैंने अपना पैर साइकिल के पहिए में फंसा लिया था। इसको पता नहीं याद है भाई, वो जादू वाली साइकिल है। अबे हाँ वही, उसी की बात कर रहा हूँ। जादू वाली साइकिल मेरी भाई के पास, खींच के जादू वाली साइकिल। हाँ सही कह रहा है। तो हाँ गाइस मेरे पास भाई वो भी थी, वो जादू वाली साइकिल, वो कोई मिल गया मूवी में नहीं है स्कूटर जो चलाता है ऋतिक रोशन, भाई मैं वो चलाता था ना भाई, स्कूटर छोड़ एक साइकिल वाला, ब्रेक मारो एक पैर से पीछे। भाई बहुत अल्टीमेट चीजें लाता था बचपन में, खिलौनों का तो भाई बहुत शौक था, आपको पता ही है जुन्नू, खिलौने का बहुत ज्यादा। कोई सी गाड़ी पता नहीं गली के अंदर ही चल रही है, रिमोट कंट्रोल भाई, रिमोट कंट्रोल कार का इतना शौकीन था मुझे, आज भी दोगे मैं खेलूंगा, और अभी इन निमानो कल को मेरे बच्चे भी होंगे ना उनके साथ भी खेलूंगा, और चुन्नू का बच्चा होगा ना उसके साथ भी खेलूंगा। सही है भाई, तेरे कंपनी मिल गई चाचा की। तो गाइस आई होप आपको भाई इतनी सारी बातें जानकर बहुत मजा आया होगा, मुझे ही बहुत मजा आया, क्योंकि यार ये क्या है ना सारे फ्लैशबैक्स हैं, और हम डेली लाइफ में ये सब चीजें याद नहीं करते, बट कभी बैठते हैं पुराने दोस्तों के साथ तो पुरानी पुरानी चीजें याद आती है। तो भाई मैंने वही सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो आज मैंने और भाई चुन्नू ने शेयर की। और यार अगर आपको मजा आया ना इस व्लॉग में तो भाई कमेंट करना कि भाई अगला व्लॉग और लाओ चुन्नू भाई के साथ, और अपने क्वेश्चंस को पुट अप करना कमेंट्स में, तो वो सारे क्वेश्चंस क्या पता मेरी लाइफ से रिलेट हो रहे हो तो वो मैं पूछूंगा चुन्नू से, है ना, फिर और मजा आने वाला है। बट क्या है ना उसके लिए आपके कमेंट्स चाहिए होंगे, जो भी आपको पता चल रहा है ना वो सारी चीज इंटरेस्टिंग बेशक है, और मैं तो उस रियल लाइफ में तो सोचो मेले कितने इंटरेस्टिंग थी। आई होप गाइस आप लोगों को मजा आ रहा होगा, और हमें ब्लेसिंग्स देना कि भाई मेरी और चुन्नू की दोस्ती भाई ऐसी रहे 18 साल की 18,000 साल हो जाए, 18,000 तो नहीं हो सकते नहीं भाई, हमारी लाइफ है बढ़िया बुढ़ापे तक, हम जब बूढ़े भी हो ना डंडा लेके चले तब भी साथ में चल रहे हैं ना भाई, मैं आऊंगा डंडा लेके इसके गेट पे। हाँ भाई आ रहा है, फिर दोबारा आवाज लगाएंगे फिर चलते हैं कहीं। हम चाहते हैं हमारा बुढ़ापा भी डंडा लेके साथ में गुजरे, जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट फॉर फन, इसको दिल पे मत लेना। तो बात ऐसी है, चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल व्लॉग के साथ, ऐसे ही प्यार देता हूँ, लव यू ऑल, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, और नीचे बेल आइकन देख रहे हो प्लीज को प्रेस कर देना जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, और बहुत सारा प्यार दे दो जैसे आप दे रहे हो। और आज मेरे हो चुके हैं भाई चैनल पे 19K सब्सक्राइबर, 19,000 सब्सक्राइबर व्लॉग चैनल पे, तो उसके लिए भाई सबको थैंक यू भाई, अभी अभी जस्ट मैंने देखा 19,000 सब्सक्राइबर भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे थैंक यू भाई। अरे यार तू बहुत अच्छा है यार, तूने एक चीज नहीं बोली, पार्टी दो। गाइस हर बंदा पता है क्या बोलता है, किसी को ही बताओ भाई पार्टी कहाँ है, इसने ये बात नहीं बोली भाई, पार्टी अब सीधा तेरे 1 मिलियन पे ही लेंगे। ओ ओ भाई, अरे बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल यार, कैसी यार 1 मिलियन पे तो टेंट लगवाऊंगा पार्क में, याद है भाई गाइस जब हम छोटे थे ना हमारे घर के पास में पार्क है, आज भी है, मतलब पार्क में ना भाई टेंट लगा करते थे, शादियां करती थी, और मुझे अभी भी याद है भाई चुन्नू मेरे को जबरदस्ती ले जाता था टेंट के पीछे से, हम घुसते थे और पीछे से चुरा के खाते थे भाई गुलाब जामुन। भाई गुलाब जामुन बहुत फेवरेट थे अपने। चलो यार अभी बहुत सारी बातें एक व्लॉग में नहीं बताऊंगा, आप लोग सजेस्ट करो और व्लॉग चाहिए ना जानने के लिए, और मेरे बचपन के बारे में, और इतनी सारी नटखट बातें, मैं बहुत शैतान था यार। चलो गाइस सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, 19K हो गए यार, बहुत बहुत शुक्रिया, 20K करा दो उसके लिए बहुत बड़ा वाला शुक्रिया हो जाएगा। चलो गाइस बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय कर दो ब्रो, बाय ब्रो, बाय।